जय श्री पोलकाजी महाराज। पेपर नंबर 1 से लेकर 40 पेपर हम लोग पहले कर चुके हैं। अब पेपर नंबर 41 यानी 41 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब की जो संख्या है वो भी बढ़ जाए। आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने पेपर हुए आरपीएससी के, वो सारे इसी हिसाब से सोल्व करवाए जाएंगे। जितना जल्दी आप चैनल की ग्रोथ करोगे, तो अभी डेली के 5 पेपर सोल्व कराए जा रहे हैं, फिर जैसे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जाएगी तो डेली के 10 पेपर इसमें सोल्व कराए जाएंगे। और फिर इन्हीं पेपर की पीडीएफ 2011 से लेकर 2023 तक आपको पहले पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप उस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन कीजिए और फिर इस वीडियो से देखिए कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ चौहान, हरिश्चंद्र प्रतिहार, बप्पा रावल गुहिल, जयतन कडवाल। विग्रहराग चतुर्थ चौहान, हरिश्चंद्र प्रतिहार, बप्पा रावल गुहिल, जयतन गढ़वाल। पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? शाहजहां। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, ये तीनों थे, सारंगधर नहीं था। कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? मचान, बोमट और बसंती है, बैसोरगढ़ दुर्ग नहीं है। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूरतमाला ग्रंथ की रचना की थी? चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? पदावली। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का चारण साहित्यकार नहीं है? जयमल। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया? माणिक्य लाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में जमाइए: जयपुर, जोधपुर, अलवर एवं नागौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गुलाबी संगमर, संगमरमर, बाबरमल, तांबड़ा राजमहल, यूरेनियम कुराड़िया, ये तीनों सुमेलित है, जबकि जिप्सम जामसर होगा ना कि पलाना, यह असुमेलित है। निम्नलिखित युग में से कौन चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? हनुमानगढ़ एवं झुंझुनू। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010।
राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से सीमा मिलती है? धौलपुर, मालपुरा, करौली, मैदानी भाग है, बनास बेसिन का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गग्गर का मैदान, गंगानगर तथा हनुमानगढ़। शेखावाटी प्रदेश, आंतरिक अपवा क्षेत्र, उदयपुर बेसिन, गिरवा, ये तीनों सुमेलित है। बोराट का पठार, रघुनाथगढ़ सीकर, ये है सुमेलित है। बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एवं सीकर। राजस्थान में 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? 1921। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। मक्का, माही दवल, चावल, डागर, सरसों, वरदान, चना, दोहद येलो। मक्का, माही दवल, चावल, डागर, सरसों, वरदान, चना, दोहद येलो। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। वस्त्र, विजयनगर, सीमेंट, मोडक, रसायन, गड़ेपान, इंजीनियरिंग, भरतपुर। वस्त्र, विजयनगर, सीमेंट, मोडक, रसायन, गड़ेपान, इंजीनियरिंग, भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिप्सम, जामसर, मैग्नीज, लीलवाड़ी, तांबड़ा, राजमहल, ये तीनों सुमेलित है। फेल्सपार, डेगाना, यह है सुमेलित है। टंगस्टन क्या होता है? डेगाना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? 16.9 एवं 3.2। जामरकोटड़ा खाने पाई जाती है, रॉक फॉस्फेट। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, थली या थाली। पेपर नंबर 42। सिरोही राजे प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुलभाई भट्ट। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल सेठ या धरती दोरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालस, छप्पन रोचंद, ये तीनों सुमेलित है। चंद्र सिंह बरावली, अमररा ओगड़, ये असुमेलित है।
84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। और 80 खंभों की छतरी अलवर में। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध है? साहिबद्दीन। सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किन नगर में वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया? उज्जैन, मथुरा, बनारस में कराया, आगरा में नहीं कराया? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को जालौर विजय का विवरण मिलता है? कानड़दे प्रबंध। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरुतं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह कौन थे? दादू दयाल जी। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले आएगा सारंगपुर का युद्ध 1437, फिर आएगा खारवा का युद्ध 1527, फिर आएगा हल्दीघाटी का युद्ध 1576, और फिर आएगा दिवेर का युद्ध 1582। सारंगपुर 1437, खानवा 1527, हल्दीघाटी 1576, दिवेर 1582। राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बाड़मेर। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम थी? जालौर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? पश्चिमी क्षेत्र को। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। कंवर सेन बीकानेर, गंदेली साहब चूरू, राजीव गांधी जोधपुर, गजनेर नागौर। कंवर सेन बीकानेर, गंदेली साहब चूरू, राजीव गांधी जोधपुर, गजनेर नागौर। राजस्थान में खोदरीबा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तांबा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। फेल्सपार अजमेर, फ्लोराइट डूंगरपुर,
कैल्साइट सीकर, बेंटोनाइट बाड़मेर, जबकि वोलेस्टोनाइट सिरोही, फेल्सपार अजमेर, फ्लोराइड डूंगरपुर, कैल्साइट सीकर, बेंटोनाइट बाड़मेर, वोलेस्टोनाइट सिरोही, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है गैस पर। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है जैसलमेर एवं नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जावर सीसा जस्ता, बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम। ये तीनों सम्मिलित है, बूंदी गार्नेट ये असम्मिलित है। राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है वोलेस्टोनाइट में। वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? सिरोही में, जबकि बेंटोनाइट बाड़मेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? जालौर। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? बारा। दो हजार एक से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? बाड़मेर। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है जोधपुर में। पेपर नंबर 43। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज विजय, सेकंड नंबर पर अजयराज, थर्ड पर अर्णोराज एवं चौथ पर विग्रहराज चतुर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं फोर्थ। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, ये तीनों थे। प्रयागराज भंडारी ये असक्रिय नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, टेरिकोटा मोलेला, ये तीनों सुमेलित है। अजरक प्रिंट बाड़मेर बालोतरा है, ना कि सांगानेर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। कन्नीदान सूरज प्रकाश, श्यामलदास वीर विनोद, मुणोत नैन्सी, मारवाड़ा प्रज्ञारिख्यात, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। सूरज प्रकाश कन्नीदान, वीर विनोद श्यामलदास, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, मारवाड़ा प्रज्ञारी विज्ञत मुणोत नैन्सी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? किराड़ू, ओसिया, गोट मांदोत का दतिमादा मंदिर, ये तीनों है। चारचौमा का मंदिर, शिव मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है।
वह नृत्य जो ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है, वालर, मांदल एवं लूर है, गवरी नहीं है, क्योंकि गवरी किसका है? बेलों का। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजवाटी एवं नागौरचल है, राठी नहीं है। कंपनी अधिनियम 1857 की क्रांति में कोटा में हत्या की गई, मेजर बटन। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर, अजमेर। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल में के राज्यों में अक्षय पटेल की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करना। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राजपरिवार कौन था? कछवाहा। बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई? जैसलमेर, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। पेपर नंबर 44। किस प्रकार के नृत्य में गुलाबों ने ख्याति प्राप्त की थी? कालबेलिया। मांड गायिका में ख्याति प्राप्त करने के आधार पर 2012 में किस राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? अल्ला जिला बाई। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि एवं वानिकी विकास, ये आते हैं, लघु स्तरीय औद्योगिकरण नहीं आता। 'धरती दोरारी' के लेखक थे कन्हैयालाल सेठिया। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रवरदाई। पेपर नंबर 45। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू उच्चतम ऊंचाई पर अवस्थित है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? झुंझुनू। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर। जबकि सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में।
अच्छा, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू की है, जबकि चंदेरिया कहाँ से है, जो सीसा जस्ता प्रदाब केंद्र है। मैंने बताया था आपको चंदेरिया किसका है, चित्तौड़गढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, मत्स्य देश अलवर भरतपुर, जांगल बीकानेर, सीवी चित्तौड़गढ़। ये तीनों सुमिलित है, अबूर देश जालौर ये असुमिलित है। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में कराया था, वो कहाँ स्थित है, पुष्कर में। विशलदेह रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन थी, राजमती। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है, उदयपुर। जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये तीनों सुमेलित हैं, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, 66.11%। दोस्तों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।